वेलकम टू लॉजिकल टॉक। क्या हम किसी भी तरीके का ह्यूमन बीइंग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बना सकते हैं, या फिर हम किसी भी तरीके की लाइफ या फिर कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी एनिमल एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लैब में बना सकते हैं क्या? या फिर कोई भी ऐसा एनिमल जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन एक्सटिंक्ट हो चुका है, जैसे कि डायनासोर्स या कोई और एनिमल, क्या हम उन्हें फिर से इस धरती पे ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम कहाँ तक आ गए, हम कितना आगे आ गए हैं हमारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जहाँ पे हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लिविंग क्या है या फिर लाइफ क्या है, और क्या हम उसे क्रिएट कर सकते हैं आउट ऑफ नोवेयर या फिर नहीं। इस वीडियो में कुछ पार्ट्स होंगे, उन पार्ट्स को मैं बता देता हूँ और उसके बाद आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के पार्ट वन में हम बात करेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी क्या है, जो कॉमनली हमें चलती है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, ह्यूमंस के बेबी जो टेस्ट ट्यूब इन विट्रो यानी कि लैब के अंदर बनाए जाते हैं, वो क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम उनका मेन रीज़न जानेंगे कि उन्हें क्यों बनाया जाता है। इस वीडियो के पार्ट टू में हम बात करेंगे कि जो एक मदर अपने वूम में एक बच्चे को ग्रो करती है, एक फीटस को ग्रो करती है, क्या हम उसे लैब के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्या हम उसे लैब के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो के पार्ट थ्री में हम बात करेंगे कि सिंथेटिक ह्यूमंस का केस क्या है, क्या हम ह्यूमंस का क्लोन बना सकते हैं, या फिर एक वूम्ब से हम क्या कोई ऐसी चीज़ निकाल के एक ह्यूमन को अलग से बना सकते हैं, यानी कि एक ह्यूमन की क्या हम दो कॉपीज़ बना सकते हैं। इस वीडियो के हम पार्ट फोर में बात करेंगे कि अगर साइंटिस्ट ऐसा क्लेम करते हैं कि इस धरती में भगवान ने लाइफ को नहीं बनाया है, और अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइफ को नहीं बना सकते हैं, तो हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि लाइफ खुद से बनी है, आउट ऑफ जो मटेरियल्स पाए जाते हैं अर्थ पे, उस चीज़ से बनी है, उस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे कि लाइफ उन चीज़ों से ही बनी हुई है। पार्ट फाइव में हम बात करेंगे कि क्या हम ह्यूमंस में पार्थेनोकार्पी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तो अगर आप सच में इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, अगर आप सच में समझना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे मुझे ये टाइम मिलेगा कि मैं आपको इन सारी चीज़ों को समझा पाऊँ। और ये मेरी पहली फेस कैम वीडियो है, तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ सा दिखता है या फिर कोई गलती होती है मुझसे, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में अपने फीडबैक भी दे दीजिएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? वेल, ह्यूमंस में टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये होता है कि हम एक एग को फर्टिलाइज करते हैं और उसे 16 सेल या 32 सेल स्टेज तक ग्रो करते हैं लैब के अंदर। इसका मतलब क्या है? अगर मेल में कोई प्रॉब्लम है या फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, तो हम ओवम को लेते हैं या फिर हम स्पर्म को लेते हैं और उन दोनों का आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करते हैं और उसे लैब में तब तक ग्रो करते हैं जब तक हम उसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमंस के अंदर वूम्ब में 16 सेल या 32 सेल स्टेज तक हम बाहर से एक फीटस को या एक एम्ब्रियो को अंदर डाल सकते हैं और वो फिर एक बच्चे में ग्रो हो जाएगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में सिर्फ यही होता है कि हम फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करते हैं और उसके बाद जब एम्ब्रियो 16 सेल या फिर 32 सेल स्टेज तक होता है, तो हम उसे बॉडी के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि हम उसके बाद उसे ग्रो नहीं कर सकते। हम आगे जानेंगे कि हम उसे क्यों ग्रो नहीं कर सकते। अब जो ह्यूमन की सेल होती है वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड होती है, और ओवम यानी कि एग और स्पर्म एक एक सिंगल सेल होती हैं। तो जिस वक्त हम फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो दोनों एक सेल होती हैं। तो क्योंकि 24 घंटे में हमारी सेल एक बार डिवाइड हो जाती है, तो हम उसे मैक्सिमम 15 दिन तक लैब के अंदर रख सकते हैं, और वो लीगल टेंडर भी है कि हम 15 दिन के बाद इसे लैब में नहीं रख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमें 15 दिन के अंदर ही उस फर्टिलाइज्ड एग को एक ह्यूमन के अंदर डालना होता है? उसे हम लैब में ही क्यों 9 महीने तक नहीं ग्रो कर सकते, और लैब में ही हम ह्यूमन को क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे पास मेल का जीनोम और फीमेल का जीनोम तो आ चुका है, तो हम क्यों ग्रो नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को लैब के अंदर? अब इस क्वेश्चन के कई सारे आंसर हैं। आंसर नंबर वन ये है कि ह्यूमन बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि हम उस बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती हैं, लाखों प्रोसेस को, उन्हें हम लैब के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें नियर टू इम्पॉसिबल होती हैं। हम आज तक हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है या फिर जो भी प्रोसेसेस होती हैं, उनकी सिर्फ कुछ ही प्रोसेसेस को लैब के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं, और आधे से ज़्यादा तो हम कर भी नहीं सकते हैं। उसी के साथ साथ हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में सारी चीज़ें नहीं पता है, और एक ह्यूमन की बेबी को बॉडी के अंदर डेवलप होने के लिए 1,00,000 या फिर उससे भी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हम मुश्किल से 10 प्रोसेस को भी टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर लैब के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक ह्यूमन को कैसे बॉडी के अंदर बना सकते हैं? वूम के अंदर हमारी एक एमनियोटिक कैविटी होती है, जिस कैविटी के अंदर वो बेबी डेवलप हो रहा होता है। अब उस कैविटी को हम लैब के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर सकते, और एक ह्यूमन बेबी को बनने के लिए या फिर ग्रो होने के लिए उस कैविटी की बहुत ज़रूरत होती है। अर्थ पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको कंप्लीट होने में 10 साल लग गए थे,
और इस दुनिया में सबसे महंगा प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ही था, जिसमें ह्यूमंस के सारे जीन के बारे में साइंटिस्ट्स ने पता किया था। हमारी बॉडी के अंदर इतना जीन होता है या फिर इतना डीएनए होता है कि हम यहाँ से लेके मून तक चले जाएंगे और कई चक्कर भी लगा लेंगे। हमारी बॉडी के अंदर इतना सारा जीनोम होता है और उन सभी जीनोम में जो प्रोटीन बनते हैं उन जीनोम के कारण, उस प्रोटीन के कारण एक ह्यूमन बेबी का डेवलपमेंट होता है। हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सारी चीज़ें उन जीनोम के एक्सप्रेशन या फिर उन जीनोम के द्वारा जो प्रोटीन, जो हार्मोन बनाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों से होते हैं। अब अगर हम एक टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाएंगे बाहर, ग्रो करेंगे टेस्ट ट्यूब में, तो वो हार्मोन्स वो बेबी खुद नहीं बना पाएगा, क्योंकि उन हार्मोन्स को बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो एक मदर के अंदर से आती हैं। तो अगर हमें एक बेबी को ग्रो करना है एक टेस्ट ट्यूब में, तो हमें पहले एक वूम्ब बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों होता है आप अभी तक समझ गए होंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हमें सारी की सारी सेम टू सेम रिप्लिकेट करनी होंगी अगर हम उन सारी चीज़ों को बनाना चाहते हैं तो। पर क्योंकि हम उन चीज़ों को नहीं बना सकते हैं, तो एक बेबी जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी ग्रो कर रहा है, वो अपने जीन्स को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो बेबी सही से बेबी बनेगा नहीं अगर हम उसे बनाना चाहते भी हैं तो। अब इसी के साथ हम वीडियो के पार्ट 3 में आगे बढ़ते हैं, सिंथेटिक ह्यूमंस। अब सिंथेटिक ह्यूमंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंथेटिक ह्यूमंस का कॉन्सेप्ट ये है कि हम बाहर ही बाहर, बिना किसी एक के, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी ह्यूमन कॉन्टैक्ट के, एक ऐसे ही ह्यूमन बना दें। अब आउट ऑफ नोवेयर लाइफ को बनाना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, इसको तो हम वीडियो के शायद पार्ट 4 या पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि सिंथेटिक ह्यूमंस का कॉन्सेप्ट क्या है। अब जहां तक इसे मैं समझता हूँ, सिंथेटिक ह्यूमंस का कॉन्सेप्ट ये है कि आउट ऑफ नोवेयर हम एक ह्यूमन को बना दें, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस को बनने में बिलियंस ऑफ ईयर्स का एवोल्यूशन लगा था। तो अगर हम एक लाइफ को बनाते हैं और अगर सारी चीजें सही होती हैं, तो हमें लगभग 4 से 5 बिलियन ईयर्स तक रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और अगर सब कुछ सही होता है, तो हो सकता है कि एक ह्यूमन जैसी एक ऐसी स्पीसीज डेवलप हो जाए और फिर आउट ऑफ नोवेयर ह्यूमंस क्रिएट हो जाएंगे। पर ये बहुत वाइल्ड इमेजिनेशन है, जो पॉसिबल नहीं है। अब रियलिटी में हम सिंथेटिक ह्यूमंस कैसे बना सकते हैं? अब कुछ ऐसे एनिमल्स हमारे आसपास अर्थ पे पाए जाते हैं जो उनकी बॉडी के किसी भी कटे हिस्से से खुद को बना लेते हैं, जिसे हम रीजनरेशन कहते हैं। प्लेनेरिया एक ऐसे एनिमल है जिसके अंदर रीजनरेशन की पावर सबसे ज्यादा होती है। प्लेनेरिया अपनी बॉडी के किसी भी कटे हुए पार्ट से एक नया बॉडी पार्ट या फिर एक नया ऑर्गेनिज्म ही बना सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये मेरी उंगली कट जाए, तो इस मैं उंगली को कट के बाहर फेंक दूं और एक नया आर्यन बन जाए। ह्यूमंस के लिए भी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर उस चीज की कैपेबिलिटी, यानी कि हमारे अंदर वो स्टेम सेल्स नहीं है। स्टेम सेल्स का मतलब ये होता है कि हम कोई एक ऐसी सेल ले लें और उस सेल से हम पूरा एक बींग क्रिएट कर सकते हैं, उस बींग के सारे ऑर्गन क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। क्या ऐसा है कि ह्यूमंस के अंदर कोई स्टेम सेल्स पाई जाती है? पाई जाती है। जब एक फीटस मदर के अंदर डेवलप हो रहा होता है, तो एक इनर सेल मास होता है। ह्यूमंस का इनर सेल मास ही हमारी स्टेम सेल्स होती हैं। तो अगर हम इनर सेल मास निकाल लेते हैं किसी भी फीटस के अंदर से, और फिर अगर हम कोशिश करते हैं कि उस इनर सेल मास से, जो कि एक स्टेम सेल है, उस स्टेम सेल से हम एक ह्यूमन बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर उसे डेवलप करने की कोशिश करते हैं, या फिर देखते हैं कि हम क्या किसी भी तरीके का ऑर्गन बना सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल से हम ह्यूमन का कुछ भी बना सकते हैं, तो क्या हम उससे कोई ऑर्गन बना पा रहे हैं, या फिर हम कोई लाइफ प्रोसेस को उससे बना पा रहे हैं, या फिर कोई हम ऑर्गेनिज्म बना पा रहे हैं ह्यूमन का? तो उस चीज को होने में अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, फिलहाल अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ हम वीडियो के पार्ट 4 में बढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि अगर साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि इस दुनिया में जो लाइफ आई है उसे भगवान ने नहीं बनाया, हमारा एवोल्यूशन हुआ है, और अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइफ भी नहीं बना सकते, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान ने लाइफ को नहीं बनाया इस अर्थ के अंदर? बहुत आसान है। प्रिमिटिव अर्थ, हमारी अर्थ का वो एरा जिस वक्त हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी, किसी भी तरीके की लाइफ नहीं थी, उस वक्त हमारी अर्थ में सिर्फ मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें पाई जाती थी, और उस वक्त अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। 1900s में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एस एल मिलर। एस एल मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने पानी लिया था जो कि प्रिमिटिव अर्थ में था, इलेक्ट्रिसिटी ली थी जो कि प्रिमिटिव अर्थ में थी, मीथेन लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था और हाइड्रोजन लिया था। ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारी प्रिमिटिव अर्थ में ही अवेलेबल था, और इन सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कुछ ऐसे कंपाउंड्स बना लिए थे जो हमारी लाइफ के वाइटल पार्ट्स, यानी कि हमारी लिविंग को जो डिफाइन करती हैं किसी भी एक सेल के अंदर, उन चीज़ों को बना लिया था लैब के अंदर। और इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया था कि लाइफ इस अर्थ पे खुद से बनी है, खुद से डेवलप हुई है।
किसी भगवान ने लाइफ को नहीं बनाया, लाइफ खुद से आई है इस अर्थ पे और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव कर दिया था। वैसे इस चैनल पे मैं एवोल्यूशन की एक सीरीज बनाने वाला हूँ जिसमें आपको ये बताऊंगा कि अर्थ जब से बनी और यहाँ तक आज हम आ गए हैं उन पूरी जर्नी में आपको दिखाना चाहता हूँ इस चैनल पे। लेकिन उस चीज के लिए मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका, तो आप प्लीज नीचे कॉमेंट में लिख के जरूर बताइए कि क्या आप उस चीज को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं है, क्या आप एवोल्यूशन के ऊपर एक सीरीज देखना चाहेंगे इस चैनल पे। इसी के साथ हम वीडियो के पार्ट 5 में आगे बढ़ेंगे। वीडियो की शुरुआत में मैंने ये बोल दिया था कि हम पार्थेनोकार्पी करेंगे। पार्थेनोकार्पी का मतलब ये होता है कि किसी भी फर्टिलाइजेशन के बिना एक फ्रूट को बनाना, और पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है किसी भी फर्टिलाइजेशन के बिना एक बींग को बनाना। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या हम पार्थेनोजेनी या फिर पार्थेनोजेनेसिस कर सकते हैं किसी भी तरीके का ह्यूमन बींग का। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि कोई एग है और हम बिना उसे फर्टिलाइज करें, यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल जीनोम के हम एक लाइफ बना दें। अर्थ में ऐसे एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं जो पार्थेनोजेनेसिस से ही अगले एनिमल को बना देते हैं, जैसे कि बीज। क्या हम ऐसा ह्यूमंस के साथ कर सकते हैं? वेल फ्रेंकली नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जीन ग्रुप 24 होते हैं और जीनोम हमारे अंदर सिर्फ 23 पेयर में होते हैं। अब ऐसा क्यों? ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल के अंदर 22 जीन के जो पेयर होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन 23rd पेयर में दो जीन अलग अलग होते हैं। जीन नंबर 1 होता है एक्स और जीन नंबर 2 होता है वाई। और क्योंकि ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर ऑफ जीन्स है लेकिन 23rd पेयर मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, इसीलिए हमारे अंदर 24 जीन ग्रुप होते हैं लेकिन जीनोम हमारे अंदर 23 ही होता है। तो अच्छा, इससे अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस से हम मेल नहीं बना सकते क्योंकि मेल के अंदर एक्स वाई होता है, तो क्या हम पार्थेनोजेनेसिस से एक फीमेल को बना सकते हैं क्योंकि फीमेल के अंदर तो एक्स एक्स ही होता है, तो 23 जीन्स भी हो गए और 23 जीन ग्रुप भी हो गए। वेल ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ह्यूमंस में ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जिसे हम एग कहते हैं ह्यूमंस के अंदर, वो कभी कंप्लीट एग होता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो सेल डिवीजन की एक स्टेज में फंसा सा होता है, और जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं उस वक्त स्पर्म एक सेंट्रियोल जो सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमंस के अंदर, उस एक सेंट्रियोल को एग के पास ले जाता है और उस एग को वो सेंट्रियोल डोनेट कर देता है। सिंस जो फीमेल के अंदर ह्यूमन एग होता है वो कंप्लीट ही नहीं है, तो हम पार्थेनोजेनेसिस से ह्यूमंस को नहीं बना सकते हैं। इस वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में बना सकते हैं, और उसके नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बता सकता हूँ क्या हम डायनासोर्स को इस धरती पे ला सकते हैं या नहीं ला सकते। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर पॉसिबल हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हुए हैं इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, आप उनका यूज़ करके इस चैनल को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल की दूसरी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।